तो जो कृष्णा और युवराज मैंने फिल्में बनाई उस सेंसिबिलिटी से बनाई कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग को थोड़ा एक्सपेंड करूं। प्रॉबेबली वो मैच नहीं की हमारी ऑडियंस के साथ, इसलिए मिस हुआ। लेकिन फिल्मों का ताल्लुक मेरे दिल में हमेशा रहा है और मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपने रियली ये जो मोमेंट दिया है मुझे। ये ऐसा है कि जैसे एक माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो सब लोग मुबारकबाद देने आते हैं, तो उसकी माँ के चेहरे की खुशी जो होती है वो खुशी मुझको है आज। थैंक यू फॉर कमिंग। कमर्शियल फिल्म यू विल सी, दिस इज नथिंग ग्रेट कि मैं बहुत क्लासिक फिल्म बनाने जा रहा हूँ या मैं दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने एक बड़ी इंस्पिरेशन से, पैशन से ये फिल्म बनाई है इस लड़की का सब्जेक्ट लेकर, और ये इस फिल्म में सब कुछ है जो हमारी ऑडियंस को, चाहे वो क्लास हो या मासिस हो। जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ ये आप कह सकते हैं कि टिपिकल सुभाष घई की फिल्म है, जैसे आप चाहते हैं। कि ये जो हीरोइन सुभाष जी ने इंट्रोड्यूस की है इसकी शक्ल किससे मिलती है? जब मैंने माधुरी को इंट्रोड्यूस किया तो सबने कहा ये मीनाक्षी की तरह लगती है, और जब मनीषा को इंट्रोड्यूस किया तो सबने कहा माधुरी की तरह लगती है, और जब मैंने कहा कि महिमा को किया तो कहने लगे सी ये तो मनीषा की तरह लगती है। अब ये कैसे भी लगती है लेकिन ये है ओरिजिनल मिस्टी। आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट सुभाष जी। आई डू नॉट थिंक देयर हैज बीन अ डायरेक्टर एज सक्सेसफुल एज हिम, एट लीस्ट इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। पर्सनली आई हैव सीन हीरो 25 टाइम्स एंड ऑल इन सिनेमा थिएटर इन मोना टॉकीज इन पटना एंड वेरियस प्लेसेस, and you can see the influence in my latest film Highway. So I've learned a lot from this gentleman. It's difficult to explain in at this time how much he has contributed. Well, Kanchi ek aisi ladki ki kahani hai jiski inner strength bahut hai, khud mein confidence bahut hai, halanki wo bahut simple hai। आई थिंक यही बात कांची की एक साधारण लड़की होते हुए भी उसको अनोखी बनाती है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सुभाष जी की फिल्म है, तो एक ऑलमोस्ट न्यूकमर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है बीइंग लॉन्च्ड बाय यू नो द शोमैन हिमसेल्फ। सो आई गेस कांची के लिए कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। ये जो कांची कैरेक्टर है ये इसे वन गर्ल शो फिल्म, शी हैज टू बी द स्ट्रेंथ बिकॉज इसको कोई बचा नहीं सकता। हालां वी हैव ए वेटरन एक्टर्स लाइक मिथुन चक्रवर्ती, लाइक ऋषि कपूर, वी हैव ए गुड एक्टर्स लाइक कार्तिक एंड मेनी अदर एक्टर्स, बट द गर्ल स्ट्रेंथ अगर स्क्रीन पे नहीं आएगी तो मैंने तो ये सोचा था कि मैं फिल्म ही नहीं बनाऊं, फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट बंद कर दी थी। देखिए मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग एक आर्ट है, तो एक कला अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता कि हम स्पेशली सुभाष जी इतने पैशनेट फिल्म मेकर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कंपटीशन देने के लिए फिल्म बनाते हैं। वी अप्रिशिएट आवर फिल्म एज वेल एज एवरीवन अराउंड।